अस्सलाम वालेकुम प्री9, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। टुडे इज 6 अप्रैल 2021 एंड द डे इज़ ट्यूसडे। जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अ डायलॉग, और आज हम जो है इसके लेसन नंबर 4 जो है उसे देखेंगे। इसमें लेसन नंबर 4 में हम क्वेश्चन आंसर जो है उन्हें ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमने कल जो हमने डिस्कस किए थे वो है थे न्यू वर्ड्स, वर्ड्स सिनोनिम्स, वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड सेंटेंसेस, और आज हम क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। सो लेट स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक के पेज 9 पे एक्टिविटी है क्वेश्चन आंसर्स। सो अपना अपनी बुक का पेज 9 ओपन कीजिए जी। तो स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड कासिम गो टू सऊदी अरेबिया, यानी कासिम सऊदी अरेबिया क्यों गया था। आंसर है, कासिम वेंट टू सऊदी अरेबिया टू सी हिज पेरेंट्स, पर्टिकुलरली हिज मदर, बिकॉज शी वॉज इल। इट मीन्स के कासिम सऊदी अरेबिया अपने पेरेंट्स को देखने के लिए गया था, स्पेशली अपनी मदर्स को मिलने गया था क्योंकि वो बीमार थी। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड कासिम कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया, यानी कासिम सऊदी अरेबिया से वापस क्यों आ गया था। ही केम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया बिकॉज हिज एग्ज़ाम्स वर नियर एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस हिज एग्ज़ाम्स, यानी उसके जो एग्ज़ाम्स थे, उसके इम्तहान जो थे वो करीब थे और वो अपने एग्ज़ाम्स को कभी भी मिस नहीं करना चाहता था। थर्ड क्वेश्चन है, वट टू सब्जेक्ट्स डज कासिम फाइंड टफ। आंसर है, ही फाउंड इंग्लिश एंड मैथ्स रादर टफ, यानी उसे इंग्लिश और मैथ जो था वो बहुत टफ लगता था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ कासिम डिसाइडेड टू डू आफ्टर हिज स्टडीज़, के वो जब वो मैट्रिक कर लेगा तो उसने क्या डिसाइड किया था। ही डिसाइडेड टू गो इन फॉर मेडिसिन इफ़ ही गॉट अ गुड पोजीशन, यानी कि वो अगर उसके मार्क्स अच्छे आ जाते वो मेडिकल की फील्ड में जाएगा। इफ़ हाउ एवर, अगर ताहम ही डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, अगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो ही माइट गो इन टू बिजनेस और एग्रीकल्चर, या तो वो फिर बिजनेस में जाएगा या एग्रीकल्चर के शोबे में, यानी ज़राइत की किसी फील्ड में जाएगा। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई डज कासिम्स अंकल थिंक दैट आवर इंग्लिश हैज़ टू बी अ गुड, ठीक है। इसका आंसर है, बिकॉज इंग्लिश हैज़ बिकेम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है, एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज जो है वो बन गई है दुनिया में। इंसान कहीं भी चला जाए, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ज़रूर समझी और बोली जाती है। सो ये 5 क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिस्कस किया है। सो आपने प्यारी सी राइटिंग में इसे होमवर्क वाली कॉपी पे लिखना है और इसे अच्छे से लर्न करना है। डियर स्टूडेंट्स, घरों में रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपने लेसन्स को रेगुलरली लर्न कीजिए। खुदा हाफिज़।